फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर को देखेंगे, दो तरीके से इसकी क्लासिफिकेशन हुई है, एक अर्लैंगर और गेजर की, एक लेलियॉर्ड और हंट की। सही है, इसमें हमारी बुक में कोई ज़्यादा मेंशन नहीं किया हुआ इसके बारे में, बस हम एक जनरल कॉन्सेप्ट लेंगे कि इसकी क्लासिफिकेशन दोनों ने जो है वो दी किस तरीके से। हमें पता है कि पेरिफेरल नर्व फाइबर्स हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, ए बी एंड सी, जिसमें से जो ए होता है वो फर्दर फोर टाइप्स में डिवाइडेड होता है, अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा। और जो ए वाला है वो हमारे पास माइलिनेटेड है, ठीक है। और ये जो माइलिनेशन है वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या होती है, कम हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा कौन माइलिनेटेड हुआ, ए अल्फ़ा। और आपको ये बात पता है कि माइलिनेशन ही जो है वो कंडक्शन की वेलोसिटी को बढ़ाती है, तो सबसे ज़्यादा किसकी वेलोसिटी होगी हमारे पास नर्व फाइबर, कौन से नर्व फाइबर की सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगी, ए अल्फ़ा, क्योंकि हमने बोला टॉप टू बॉटम माइलिनेशन जो है वो डिक्रीज़ हो गया। माइलिनेशन ही स्पीड पे इफेक्ट करती है, जिसकी जितनी ज़्यादा माइलिनेशन उसकी उतनी ज़्यादा स्पीड, और जो डायमीटर है वो भी ऊपर से ले और जो डायमीटर है वो भी ऊपर से लेके नीचे तक डिक्रीज़ ही होगा, क्योंकि जिस पे जितनी ज़्यादा माइलिनेशन होगी उसका डायमीटर उतना ज़्यादा ही बड़ा होता जाएगा, और वेलोसिटी भी जो है वो ऊपर से नीचे तक की तरीके से डिक्रीज़ ही होगी। अगला टॉपिक हमारे पास समिशन का है। सबसे पहले हमारे पास जो सिग्नल आता है, सही है, उसके बाद उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है। सिग्नल आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी बढ़े जा रही है, तो फिर क्या होता है, वो सारे एक साथ मिल जाते हैं, तो उसको समेशन बोलते हैं। ये दो टाइप्स की मिलेगी आपको। सबसे पहले हम स्पेशियल को देखते हैं। देखिए स्पेशियल वाले में क्या होगा कि एक सेल बॉडी है और उसके ऊपर बहुत सारे नर्व फाइबर्स आ रहे हैं, नर्व टर्मिनल्स आ रहे हैं, और वो एक साथ आपको क्या देंगे, एक्शन पोटेंशियल देंगे एक ही काम के लिए। तो क्या होगा, जब एक काम को बहुत सारे लोग मिल के करेंगे तो वो जल्दी होगा ना। ये देखें, इसका हमें थ्रेशोल्ड पहुंचाना, तो जब ये तीनों के मिलेंगे तो फिर जल्दी इफ़ेक्ट आएगा और वो बहुत ज़्यादा अच्छा भी होगा। मतलब कोई एक काम होता है, जैसे घर का ही काम ले लें, अगर कोई एक बंदा करेगा तो उसको बहुत टाइम भी लगेगा और वो बहुत थक भी जाएगा और बहुत स्लो भी करेगा एक तरीके से। अगर तो तीन बंदे मिल के घर के काम को करेंगे तो वो काम जल्दी भी होंगे और अच्छे से भी होंगे। तो ये आपके पास स्पेशल समेशन थी। जबकि टेम्पोरल वाले में क्या होता है कि एक ही सेल बॉडी होती है और एक ही आपके पास नर्व फाइबर होता है, वो मुस्तकिल फायरिंग कर रहा होता है कि एक्शन पोटेंशियल दिया जा रहा होता है। शुरू में तो वो हल्का हल्का करता है, फिर वो थोड़ा सा और उसका ज़्यादा होता है, फिर वो मज़ीद बढ़ जाता है। मतलब पहले उसने काम किया, फिर दूसरा काम किया, फिर तीसरा काम किया, मतलब हम उसके सारे कामों को ऐड करते जा रहे हैं। यहाँ पर मतलब एक ही बंदा सारे घर के काम कर रहा है, तो टेम्पोरल वाला टाइम टेकिंग है और लेस एफिशिएंट है और लेस उसको यानी हम प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू स्पेशियल सबमिशन के। हो दोनों में सबमिशन रही है, यहाँ पे क्या है कि एक नर्व फाइबर से एक ही एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, जबकि यहाँ से एक नर्व फाइबर से मुस्तकिल एक्शन पोटेंशियल आए जा रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जो है हमारे इस चैप्टर का वो है न्यूरोनल पूल। न्यूरोनल पूल आपको नाम से ही समझ आ रहा है कि ढेर सारे न्यूरॉन्स होंगे, सही है, या तो फिर आप इसको इंग्लिश में बोलें तो फंक्शनल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। यहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन्स होंगे फंक्शनल, तो उसको आप बोलोगे न्यूरॉनल पूल। अब न्यूरॉनल पूल ये देखें, ये प्री साइनेप्टिक है मेम्ब्रेन, यहाँ से बहुत सारे न्यूरॉन्स आ रहे हैं, सही है। ये रेड रेड कलर की सेल बॉडीज है हमारे पास। तो जो सेंटर वाले हैं, जो हमारे पास इस प्री साइनेप्टिक टर्मिनल से करीब हैं, उनके पास बहुत सारे इस तरीके से कनेक्शन हैं इस सेल बॉडी पे, ऊपर से भी आ रहे हैं नीचे से भी आ रहे हैं। तो जो ज़्यादा करीब होगा, मोर क्लोजली एसोसिएटेड होगा किससे, प्री साइनेप्टिक फाइबर से, वो डिस्चार्ज जोन होंगे। और जो थोड़ा दूर होंगे और उनके पास ये देखें इस तरीके से साइडों पे भी नहीं आ रहे, वो कौन से होंगे, फैसिलिटेटेड जोन, और ये लूजली एसोसिएटेड होंगे विद द प्री साइनेप्टिक। अब जो डिस्चार्ज जोन है उसके पास बहुत ज़्यादा साइनेप्सिस हैं, आप देख लें ऊपर से आ रहे हैं नीचे से आ रहे हैं, तो ज़्यादा ही न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा और ज़्यादा ही जल्दी एक्शन पोटेंशियल और ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा बस। अब हमारे पास जो सर्किट्स होते हैं हम उसको देखेंगे, एक तीन टाइप के सर्किट्स हैं, एक डाइवर्जिंग, एक कन्वर्जिंग, एक रिवर्बरेटिंग। जो डाइवर्जिंग सर्किट होता है उसमें आप नाम से देखें डाइवर्ज होगा, आगे जाके फैल जाएगा, तो उसमें एक इनपुट आएगा और बहुत सारे आउटपुट्स आएंगे। मतलब जैसे कि हमारे ब्रेन में अगर कोई हम इनपुट जाता है एक चीज़ का, तो वहाँ से हर बॉडी पार्ट को जाके वो कहता है कि तुम ऐसे कर लो, तुम वैसे कर लो और तुम ऐसे कर लो, तो वो कौन सा होगा, डाइवर्जिंग सर्किट है, कि इनपुट तो एक ही गया ना,
जैसे आपने बोला कि आपको भूख लग रही है, सही है, तो आपने अब खाना खाना है, तो उस खाना खाने का सिग्नल आपके ब्रेन ने कहाँ कहाँ पहुँचाया, आपके हाथों को कि आप तुम खाना स्टार्ट करो, और आपके माउथ में गया होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा जगह पे गया होगा। जबकि कन्वर्जिंग वाले में बहुत सारे इनपुट्स आएंगे, लेकिन क्या कहते बहुत सारे इनपुट्स आएंगे लेकिन आउटपुट जो है वो आपके पास एक ही होगा। मतलब आपके स्किन के ऊपर से क्या कहते हैं प्रेशर का और पेन का एक तरीके से आप कह लो कि इनपुट गया, लेकिन आउटपुट आपके पास तो ब्रेन से ही आएगा ना, और वो यही आएगा कि यहाँ से हट जाओ तो एक ही आउटपुट, मतलब ऑपोजिट ऑफ डाइवर्जिंग इज कन्वर्जिंग। जबकि रिवर्बरेटिंग में आपके पास क्या होगा कि बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे, मतलब आगे वाला पीछे वाले से, पीछे वाला आगे वाले से, इस तरीके से कम्युनिकेशन होगी, आप एरोस से देख सकते हैं। ये हमारे पास रिदमिक एक्टिविटी में होता है, हमारी ब्रीदिंग वाले में होता है, जब हम फास्ट रनिंग करते हैं तब ये सर्किट काम आता है। बस इसमें आपको इसके नाम पता होना चाहिए, इनके फंक्शंस पता होना चाहिए, न्यूरोनल पूल में जोन्स का आपको पता होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे पास नर्व फाइबर्स में कौन कितना ज़्यादा माइलिनेटेड है, किसकी कितनी ज़्यादा स्पीड है, ए अल्फ़ा की सबसे ज़्यादा स्पीड है, और आपके पास सबमिशन में आपको पता होना चाहिए कि स्पेशियल और टेम्पोरल में क्या फ़र्क है। ये चैप्टर बहुत ईजी है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।